जनता कर्फ्यू हेतु प्रेस कॉन्फ्रेंस। बांका जिला पदाधिकारी सुरेश भगत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कोरोना वायरस से हजारों की संख्याओं में आदमियों की जान जा चुकी है और हमारे देश में भी लगभग वापस आने में कोरोना पीछे नहीं है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी नागरिकों से अपील कर कहा कि जनता कर्फ्यू को सफल बनाने में सहयोग दें। आगे जिला पदाधिकारी सुरेश भगत ने कोरोना वायरस पर प्रकाश डालते हुए सभी बांका वासियों से कहा कि आप लोग कल जनता कर्फ्यू को सफल बनावें, साथ साथ इसके बावजूद भी आगे दिनों आप लोग संयम बरतते हुए साफ सफाई पर ज़्यादा ध्यान देते हुए हाथ को बार बार धोए व अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका 10 दिन का, तो अगर अभी आपको हमको अगर है भी तो अभी नहीं पता चलेगा, इसलिए हम लोग को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे है या मुझे नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आप लोग मुझे समझता है कि पाठ पूजा पाठ अधिक से अधिक 3 व्यक्तियों के इसमें ही संपादित करेंगे। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि एक साथ बहुत क्राउड में या फिर बहुत भीड़ लगा के नहीं करेंगे, 3-3 के बैच में करना। पहले बताया कि 7-10 दिन टाइम लगता है सिम्टम डेवलप करने में, तो उस कारण से लोगों को तुरंत इन्फेक्ट, आज इन्फेक्ट हुए तो 5-4 दिन तक हो सके कुछ भी बिल्कुल नॉर्मल रहे, कुछ पता नहीं चले। इसी कारण से हम लोग का जो ये है, मैं इसलिए जानकारी पहले जानकारी के सिम्टम को लेकर के बता दिया। इसके बाद हम लोग का कुछ कुछ जो दिशा निर्देश आया है आज की बैठक में, वो मैं आप लोग से शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहला है कि हम लोग का जो कल का जो कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू या सेल्फ इम्पोज क्वारंटाइन है, ये एक सिम्टोमेटिक है, मतलब एक सिम्बॉलिक चीज़ की गई है। 7 से 9 बजे तक का जो समय निर्धारित किया गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि 9 बजे के बाद उत्सुकतावश या कौतूहलवश हम नॉर्मल तुम समझे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है एक दिन का सिर्फ इम्पोज क्वारंटाइन से। और इसको हम लोग कोशिश करें कि आने वाले वीक में 2-3-4 दिन या आने वाले वीक में इसको हम अधिक से अधिक इसका पालन करें। जो एसेंशियल्स है, दूध सामान अनाज खाना पीना सब्जी वब्जी, टेक्निकल चीज़ है इंक्यूबेशन बोलते हैं, ये 14 दिनों का है। इसको हम लोग अगर देशी लफ्ज़ों में समझें तो ये है कि अगर मुझे इन्फेक्शन, अगर मैंने वायरस अगर मेरे पास आया है, अगर मेरे पास इन्फेक्शन हुआ है, तो इसका सिम्टम डेवलप 14 दिन तक कर सकता है। मतलब कि 14 दिन का गैप रह सकता है, मोटा अमूमन 7 से 10 दिन का रहता है, तब मुझे पता चलेगा कि मुझे वायरस एक्चुअली आया है। इसका मतलब ये है कि अगर वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो 5-7 दिन तक आपको पता नहीं चलेगा। इसी चीज़ का जो जो जानकारी, ऐसा नहीं है कि आज इन्फेक्शन हुआ तो आज ही फीवर हो जाएगा और हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटाइन में जाएं, वो जो 5-7 दिन का पीरियड होता है, इसी कारण से ये वायरस बहुत देरी से स्प्रेड किया है। और आप देखेंगे कि अचानक से किसी भी कंट्री में जहाँ पे डेटा कलेक्शन हो रहा है या जहाँ पे आउटब्रेक सीरियस नेचर का है, वहाँ पे अचानक से पता चलता है कि एक वीक में आप देखेंगे कि एक स्टेज के बाद बहुत ज़्यादा संख्या में